हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए अप्रैल 2023 की रीडिंग एंड प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए कि इस मंथ में आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी लव लाइफ में, कैरियर में या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। अगर आपका जोडियक साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या आपका सन मून राइजिंग एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जेमिनी लिब्रा या एक्वेरियस में है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेमिनी के लिए। देखने के लिए आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। सो लेट्स गो, लेट्स सी इट। देखते हैं आज की रीडिंग जेमिनी के लिए, आपके लिए ओवरऑल इस मंथ में क्या एनर्जी है, फिर हम देखेंगे आपके लिए। अगर आप इस डेक में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ अ सूफी टैरो डेक, लिंक विल बी गिवन अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस डेक में। This is a very beautiful deck from Aida Hussain. A link is given below. So let's see, Gemini के लिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। We have Darvesh. This is Hermit energy. We also have the Sultan. Wow, two major arcana. ठीक है, आप हो सकता है Aries के साथ या Virgo के साथ डील कर रहे हैं या Capricorn, Taurus के साथ, ठीक है। यहाँ पे दो major arcana हैं तो definitely आपकी life में इस वक्त जो important आपकी life में चीज़ें आ रही हैं वो ये है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। आप में से कुछ लोग किसी चीज़ के लिए आप प्रे भी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग आई डोंट नो, आप शायद प्रे कर रहे हैं कि आप फादर बने, यू नो मे बी इट्स अ प्रेगनेंसी, ओके, आपको अगर आप मैरिड हैं तो। एंड अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपका फोकस इस वक्त अपने कैरियर को स्टेबल करने में है। आप चाहते हैं, आप कुछ विश कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको चाहिए आप बार बार मांग रहे हैं ऊपर वाले से, या आपको मांगना चाहिए, जो चीज़ आपको चाहिए आप ऊपर वाले से मांगें, कनेक्ट हो के जो भी ऊपर वाले का तरीका है आपके अपने कल्चर में, आपके अपने रिलीजन में जो चीज़ है आप उसी तरीके से ऊपर वाले से मांगें, ठीक है। आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी इस मंथ में। हो सकता आप में से कुछ लोगों के ऑलरेडी अगर आपका अपना कुछ स्टेबल कैरियर है, जॉब है, तो मुझे लग रहा है कि इस मंथ में और मज़ीद आपकी विशेज़ पूरी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे, स्पेशली अगर आप अपने लिए, अगर अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं आप, तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए अपने अंदर आप से कि आपके आपको क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या सुधारने की ज़रूरत है। आपको अगर आगे लाइफ में कुछ करना है तो आप आगे क्या करना चाहते हो, अपनी विशेज़ पे एक प्रॉपर प्लान के साथ जो है वो आगे बढ़ें। आपका हो सकता है इस मंथ अपने बॉस के साथ या किसी सीनियर के साथ या आपके अपने पेरेंट्स के साथ यू नो समझने की ज़रूरत है, ठीक है, या आपको बात करने की ज़रूरत है, ये चीज़ भी हो सकती है किसी मामले पे, ठीक है, किसी मैटर पे या मामले पे बात करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद बॉस हैं, आप खुद आपकी कोई पोजीशन है, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको डेफिनेटली वो चीज़ करनी चाहिए, अपनी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए अपनी लाइफ में आगे डिसीजन लेना है। लेकिन ज़्यादातर मुझे यही लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को खुद ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश में हैं। आप में से कुछ लोग अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में एक स्ट्रक्चर चाहते हैं, शायद आप शादी करना चाहते हैं या प्रॉपर एक प्लानिंग कर रहे हैं कि उससे पहले आपको एक डेफिनेटली एक स्टेबल कैरियर चाहिए, जॉब चाहिए, या आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे यहाँ पर एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। इस मंथ हो सकता है आपकी कोई हेल्प भी कर सकता है, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है कि आप किसी ऐसे सीनियर की तरफ, बाप की तरफ, या किसी यू नो ऐसा इंसान जो ऑलरेडी लीडर है, ऐसा इंसान जो ऑलरेडी स्टेबल है, ऐसा इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप उसे ये मामला डिस्कस कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, उस इंसान की गाइडेंस ले सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है जेमिनी। वी हैव एस ऑफ कॉइन्स, या आपको डेफिनेटली न्यू लव चाहिए। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं जेमिनी, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे। आप में से कुछ लोग काफ़ी अरसे से आप सिंगल रहे हैं या आप अपने आप को सिंगल रखना चाहते हैं क्योंकि आप डेफिनेटली अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं उस इंसान के लिए जो आपको डिजर्व करता है। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है कोई आपकी नज़र में है या आप किसी के साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी के लिए विश कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि ये इंसान
आपको मिल जाए या ये इंसान आपको प्रपोज कर दे या ये इंसान आपको कोई ऑफर कर दे, तो हो सकता है कि यहाँ पे एनर्जी है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ आपकी लव लाइफ में मुझे यहाँ पे न्यू शुरुआत नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग्स, किसी नए इंसान के आपको वेट है या न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में वेट है। पास्ट को आप डेफिनेटली पीछे छोड़ चुके हैं, आप डेफिनेटली एक न्यू चैप्टर में, अपनी लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर के लिए रेडी हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं न्यू चैप्टर के लिए, ये आपकी लव लाइफ की एनर्जी है। मज़ीद देख लेते हैं, वी हैव टू ऑफ कप्स, यस। तो आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप किसी ऑलरेडी एक इस इंसान को मिल चुके हैं और आप इस इंसान के साथ फ्रेंडशिप में हैं, या आप देखना चाहते हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। ये डेफिनेटली इक्वल लव है, टू ऑफ कप्स म्यूचुअल लव है यहाँ पे। तो आप हो सकता है किसी न्यू इंसान से मिलें या किसी न्यू इंसान का वेट कर रहे हैं। आप ऐसे कुछ लोग ऑलरेडी इस इंसान को शायद मिल चुके हैं, तो इस इंसान के साथ आपकी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ये म्यूचुअल लव होगा। एक बात याद रखनी है आपने, ये म्यूचुअल लव होगा और स्टेबल ऑफर होगी। तो हो सकता है कोई आपको स्टेबल ऑफर करे या आप किसी के साथ स्टेबल लाइफ शुरू करने के लिए रेडी हैं विद द टू ऑफ कप्स, ठीक है। ये सोलमेट की बात करता है, लव की बात करता है, आपके हस्बैंड या वाइफ की बात करता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिज या रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे लगता है कि आप अब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे अब हमें क्या करना है, आगे किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करनी है रिलेशनशिप की, फ्यूचर की, किड्स की, और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं, उनको मसला हल करने के भी आप सोच रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सब चल रही हैं जिसको आप इस वक्त सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग न्यू जॉब का भी वेट कर रहे हैं या किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी किसी के साथ न्यू बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग इस मंथ आपको अपने बॉस की तरफ से, जिसके लिए आप वर्क कर रहे हैं उस इंसान की तरफ से आपको बोनस भी मिल सकता है या कोई ऑफर भी हो सकती है, ठीक है, लाइक एक्स्ट्रा मनी या बोनस। या इस मंथ आप हो सकता है कोई न्यू, ठीक है ना, आपको न्यू सोर्स ऑफ इनकम मिले, मतलब आप कोई न्यू आइडिया ढूंढें, कोई न्यू स्किल, कोई न्यू नॉलेज आप सीखते हैं जिससे आपको दोबारा फ्यूचर में उससे आप मतलब पैसे कमा सकते हैं या आप अपने फाइनेंसेस को सही कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए मैसेज देख लेते हैं हम। सरप्राइज, यस, रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज। तो आप में से कुछ लोग, ये आपके लिए सरप्राइज है इस मंथ, कोई सरप्राइज आपको मिल सकता है लव में, कैरियर में, जॉब में, या कोई वैसे ही गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है विद अ सरप्राइज। सरप्राइज या बोनस भी मिल सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा प्रमोशन, बोनस या सरप्राइज या एक्स्ट्रा मनी। आपको गिफ्ट भी मिल सकता है किसी की तरफ से आप में से कुछ लोगों के लिए, लेकिन आपको हमेशा अपने आप को ओपन रखना चाहिए सरप्राइजेज के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो लिब्रा, आपके लिए देखते हैं कि ये वाला मंथ कैसा रहेगा, अप्रैल 2023। ओवरऑल आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है या आपके ये मंथ कैसा रहेगा। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 8 ऑफ वांड्स। ओके, कोई टेंशन हो सकती है, कोई स्ट्रेस है आपको, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है, घर में किसी के साथ झगड़ा या इशू चल सकता है, ठीक है, और आप हर्ट हो सकते हैं या इस वक्त चल रहा है ऑलरेडी, वो चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर रही है। किसी के साथ आपका कोई अगर इशू चल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रेस हैं विद अ 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, बर्डन हो सकते हैं आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, आप काफ़ी टायर्ड हैं, थक चुके हैं, या आप ऐसे कुछ लोग, ये आपको टेंशन या कुछ स्ट्रेस भी हो सकता है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो अपना ये जो इशू है, ये जो मसला है, आप किसी के साथ डिस्कस करें, अपने किसी करीबी, किसी लव्ड वन से। आप ऐसे कुछ लोग काफ़ी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, डिप्रेशन या टेंशन भी हो सकती है किसी चीज़ को लेके, आप हो सकता है लोनली फील कर रहे हैं, आपको लगता है कोई आपको नहीं समझता, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं करता, ये आपकी लाइफ चल रही है इस वक्त। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपको टेंशन वर्क के लिहाज से भी हो सकती है, जॉब की भी हो सकती है, आई डोंट नो, किसी चीज़ की भी, आपके घर में या कोई ऐसा इशू है। आप में से कुछ लोग, आपको शादी की टेंशन भी हो सकती है, ठीक है, कि आप स्ट्रेस आउट हो के कुछ चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है मेंटली, वो चीज़ आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है अपने लव्ड वन से, किसी से बात करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा इंसान जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें। तो आपको ये डेफिनेटली अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से, अपनी सिस्टम से इस चीज़ को निकालें, वरना ये आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली आपकी ये जो टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। एट ऑफ वांड्स यहाँ पे ट्रैवल की भी बात करता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल को लेके टेंशन में हैं, शायद आप कहीं मूव करना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं बन पा रही है आपके लिए, या आपकी लाइफ मूव ऑन नहीं हो रही है, आपको लगता है कि आप उसी जगह पे स्टक खड़े हो, कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही है, या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ इर्द गिर्द कंपेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी और ज़्यादा टेंशन हो रही है जब आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं इर्द गिर्द, ठीक है।
ये किसी चीज़ का भी प्रेशर हो सकता है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको शायद स्टडी का प्रेशर है कि पता नहीं क्या होगा आगे, क्या आगे क्या होगा, अगर आप कैरियर में हैं, जॉब में आपकी नहीं है इस वक्त, आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं इश्यूज़ को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके, मैनेजमेंट को लेके, पैसों को, या घर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर टेंशन आ रही है डेफिनेटली, या इस वक्त इस मंथ में हो सकता है आपका किसी के साथ झगड़ा हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको हर्ट कर सकती है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप काफ़ी हर्ट थे, परेशान थे, तो इस मंथ से मुझे लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, आप कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो आपको आगे बढ़ने का, इस सिचुएशन से आगे निकलने का हल बताएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अगर आप काफ़ी अरसे से स्टक थे किसी सिचुएशन में, टेंशन में थे, तो फाइनली अब आपको कुछ आप कोई एक्शन लेंगे या कोई ऐसी चेंजेस आएंगी, आप इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, आप ऐसे कुछ लोग आप ट्रैवल करेंगे, कहीं विजिट करेंगे, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा, ये चीज़ भी हो सकती है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो रिलेशनशिप में, हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है, वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि वो इंसान आपके साथ आगे रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना चाहता, या आपसे मूव ऑन कर गया है, या थ्री ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे लव को लेके, और हमारे पास है नाइन ऑफ स्टॉफ, यस नाइन ऑफ स्टॉफ, नाइन ऑफ वांड्स, डेफिनेटली काफ़ी टेंशन है आपको लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, शादी को लेके, मैरिज को लेके, ठीक है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे सितारा है, इट्स मीन स्टार, तो आप होप को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, आप मतलब आपको होप रखनी चाहिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपकी जो डेस्टिनी में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपको हो सकता है कोई विश है, आपकी कोई प्रे है, आप मांग रहे हो लेकिन आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है, आप ऐसे कुछ लोग आपको लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको वो खुशी कभी नहीं मिलेगी, आपकी वो विश कभी पूरी नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है, आप होप रखें ऊपर वाले पे, सब कुछ उसी के हाथ में है और वो आपको दे सकता है। आपको अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी पे बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए ऊपर वाले पे, वो देगा आपको, उससे मांगें, प्रे करें, विद अ स्टार इट्स अ होप, इट्स सितारा होप है, हमें एक होप की तरफ लेके जाता है। तो ये जो चीज़ आपको चाहिए वो काफ़ी इमोशनल चीज़ हो सकती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग, आप कुछ फेमस बनना चाहते हैं, पॉपुलर बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी हैं, या आपको लगता है कि आप हो नहीं रहे हैं, आपको कोई, आपकी ऐसी कोई विश है, कोई ड्रीम है जो पूरा नहीं हो रहा है, सपना है जो पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हो सकता है। उस पर आप अपना वर्क करें यहाँ पे, ठीक है, जो आपके हिस्से का काम है वो आप करें, और बाकी सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दें, जब टाइम होगा वो आपको चीज़ मिलेगी। यहाँ पे नाइन ऑफ स्टॉफ्स है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली इट्स अ लिब्रा, लिब्रा को ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो तो फिर किसको होंगे, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में भी जाना चाहें तो आपको लगता है कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप किसी को करीब नहीं आने दे सकते, या आप किसी के करीब हो नहीं सकते, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको अपने इन इश्यूज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप जब तक इन इश्यूज़ पर वर्क नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में ये लव नहीं आएगा। आपको अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हल ढूंढें, उस मसले का हल ढूंढें। आप में से कुछ लोग, ये एक्स भी हो सकता है जिसका आपको इंतज़ार है, पास्ट लवर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आगे मूव ऑन कर गया, लेकिन आप अभी तक उस इंसान पे अटके हुए हैं या स्टक हैं, आपको अभी तक उस इंसान का इंतज़ार है। डिपेंड करता है, किस्मत में हुआ तो वो इंसान आपके नसीब में लिखा हुआ है, तो किस्मत में लिखा हुआ है तो वापस आएगा, नहीं आएगा तो आप कम अज़ कम मूव ऑन करें, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, इस चीज़ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अपना ट्रस्ट रखें, ठीक है, विद अ स्टार। आप में से कुछ लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कोई आइडिया आपको मिल सकता है वर्क के लिहाज से लेके, ये मत सोचें कि आप पे बर्डन है, प्रेशर है, अपनी एफर्ट ज़रूर करें, अपना हार्ड वर्क ज़रूर दिखाएं, एंड यू विल बी पॉपुलर, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको वो सक्सेस मिलेगी, उस चीज़ में प्रोग्रेस नज़र आएगी, ऐसा एकदम में एक ही रात में आप ना ही वो चीज़ आपको मिल जाएगी ना हो जाएगा। तो आपके कुछ, आप में से कुछ लोग, आपके सब्र का भी इम्तिहान है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ आपको चाहिए वो किस्मत में लिखी है, आपकी डेस्टिनी में लिखी है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा ऊपर वाले पे, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपने टाइम पे, अपनी टाइमिंग पे। आपकी लव लाइफ में भी ये चीज़ हो रही है कि आप अपने ऊपर वर्क करें और अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे वर्क करें, आप कम्युनिकेशन पे वर्क करें, ठीक है। हो सकता है आपको किसी के कम्युनिकेशन का वेट है लेकिन वो इंसान नहीं कर रहा है, तो आप कम से कम आप कॉन्टैक्ट करके देख लो, आप बात करके देख लो, और अगर आपने किया है, अगला इंसान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ दे रहे हो, आप क्यों अपने आप को इस चीज़ में अटका रहे हो जिसमें आपको पता है कि इससे आपको कुछ नहीं मिलना सिवाय तकलीफ़ के। तो मसले का हल ढूंढें, हर मसले का हल है, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली उसमें आपको मज़ीद तकलीफ़ मिलेगी।
सो लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है. ऑथेंटिसिटी, आप ऑथेंटिक रहें. लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड. तो आपको किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है. कोई आपको बोलता है कि ये चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में, ये कमी है, ये नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, उसकी आप परवाह मत करें. लोगों का काम है बकवास करना, लोगों का काम है बात करना, वो ज़रूर बात करेंगे. आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तब भी वो बात करेंगे, आप कुछ बुरा कर रहे हैं तब भी वो बात करेंगे, क्योंकि लोगों का काम ही यही है. ठीक है, बड़बड़ 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 करना. तो आप सुने उन लोगों की बात को. ठीक है, आप अपने साथ ऑथेंटिक रहें. आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं, आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हो. अपने साथ ऑथेंटिक रहें. जो आप करना चाहते हैं, जो आपका विजन है, जो आप हो सकते हैं कुछ ऐसा हट के कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे लोगों की लाइफ में है, लेकिन बी ऑथेंटिक. एटलीस्ट अपने साथ ऑथेंटिक रहें, अपने साथ क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए और क्या करना है. तो ये आपके लिए इस मंथ की एडवाइस है और मैसेजेस हैं आपके लिए. एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखते हैं कि इस मंथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है. वी हैव शम्स, फाइव ऑफ कप्स, और हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स. ओके, तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी चीज़ को लेके आप टेंशन में हैं. कोई चीज़ आपको चाहिए लेकिन आपको लग रहा है कि वो आपको नहीं मिलेगी. मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी. आपकी कोई विश भी है जो पूरी हो सकती है इस मंथ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. बच्चों को लेके कोई आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, या बच्चे नहीं हैं उसकी टेंशन हो सकती है आपको. यहाँ पे एक और चीज़ भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही, हो सकता है आप लियो के साथ डील कर रहे हैं, या एयर साइन के साथ, या वाटर साइन के साथ. ठीक है, स्पेशली लियो है यहाँ पे. मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है विद द सन, शम्स यहाँ पे है, ये शम्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स इज डेफिनेटली क्लैरिटी. ये ट्रूथ की बात करता है, ये सच्चाई की बात करता है. तो कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, आपको क्लियर करना चाहता है इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, या जो भी इशू हुआ है. ये इंसान डेफिनेटली इस मसले को हल करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है. या आप हो सकते हैं इस मंथ, कोई हो सकता है अपने किसी फ्रेंड को मिलते हैं, ठीक है, पुराने फ्रेंड को, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में जिसने आपको हर्ट किया है, वो आपसे माफ़ी मांग सकता है, वापस आ सकता है, बात कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे ये न्यू बिगनिंग की भी बात करता है. हो सकता है आप इस मंथ कुछ नया स्टार्ट करें, आप अपने बच्चों से कुछ नया स्टार्ट करवाएं, आप कोई न्यू एक्टिविटी करते हैं, कोई न्यू स्किल, या आपके घर में कोई चीज़ आपकी गुड न्यूज़ भी हो सकती है जो आपको मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड भी आप लोगों को इस मंथ में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. तो दिस इज़ अ गुड टाइम अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बच्चों के लिए, या आप कोई इंश्योरेंस करना चाहते हैं बच्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बच्चों के लिए. और आप में से कुछ लोग ये वीज़ा के लिए भी हो सकता है, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं स्टडी एजुकेशन के लिए, कोई न्यू स्किल आप सीखना चाहते हैं, कोई न्यू वर्क आप करना चाहते हैं, ये दिस इज़ अ ग्रेट टाइम. ठीक है, उन न्यू चीज़ों को करने के लिए. आप हो सकता है इस वक्त काफ़ी इमोशनली इस मंथ काफ़ी लोनली फील कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं, या कोई ऐसे मामलात हैं जो आपके आपको लगा कि वो नहीं सही हुए. नहीं, ये इतने नहीं बिगड़े हैं, अभी भी मामला सुधर सकता है, अभी भी इस मामले का हल निकाला जा सकता है. आप में से कुछ लोग अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको करने की ज़रूरत है. ठीक है, अपने आप को खुश करने की ज़रूरत है. जितना आप लोगों को खुश करेंगे कुछ नहीं मिलना. घंटा, बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा. तो अपने आप को खुश करें, अपने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ करें, अपने अपने आप को खुश करें. आप जो चीज़ अपने लिए करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो करें. ओके, ये चीज़ हो सकता है. एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपसे कोई बात करना चाहता है. ठीक है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन है. ये वो इंसान है जिसको आप काफ़ी पसंद करते थे, आप इस इंसान की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव थे. आपको हो सकता है इस इंसान पे क्रश हो, आप इस इंसान से बात करते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी कोई रिस्पांस नहीं दिया, या लेट्स से इस इंसान ने आपको कभी नोटिस नहीं किया, या आपको हर्ट किया. तो ये इंसान आपसे आप दोबारा बात कर सकता है. मुझे लगता है कि न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है किसी के साथ. ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है, जो आप दोनों के दरमियान में झगड़ा है, इश्यू है, कन्फ्लिक्ट है, या आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी आप दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई है, वो सुलह हो सकती है. ठीक है, ये लवर भी हो सकता है, फ्रेंड भी, या फैमिली मेम्बर भी. ठीक है, आपकी अपनी फैमिली से भी कोई हो सकता है ये. तो जो भी इशू था, ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे अगर किसी के साथ आपका कोई इशू चल रहा है, वो हो सकता है. यहाँ पे ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं. आप जिस इंसान के साथ शायद डील कर रहे हैं, वो इंसान काफ़ी ईगोइस्टिक है, उस इंसान को एंगर इश्यूज हैं, या उस इंसान ने गलती की है और अब वो इंसान पछता रहा है, तो माफ़ करने में कुछ जाता नहीं है. या विद द सन कार्ड हो सकता है ये इंसान आपके कुछ लोगों के लिए ये न्यू इंसान भी हो सकता है. आप किसी नए इंसान को मिल सकते हैं, किसी के साथ आपकी न्यू फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, न्यू बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है, न्यू वर्क भी स्टार्ट हो सकता है. आप कुछ नया करने वाले हैं, न्यू एक्टिविटी भी आप कुछ करने वाले हैं. ठीक है, जो आपको काफ़ी जिससे आपको नॉलेज मिल सकती है, आपको आप कुछ नया सीख सकते हैं. ठीक है, इस मंथ
अब ओवरऑल आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या है। आप में से कुछ लोग वेकेशन पे भी जाएंगे, शायद पिकनिक पे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ट्रिप पे, या अपने पार्टनर के साथ, लवर के साथ। वी हैव अ सक्सेस या लुक एट द बॉक्सेस, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है। या कुछ लोगों के लिए ये पॉपुलैरिटी है, सन क्योंकि यहाँ पे उसकी बात करता है, तो हो सकता है आपको कोई पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, आप वायरल होने वाले हैं, फेमस होने वाले हैं, या आप हो रहे हैं, या आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी या फेमस आपको कर सकता है, ठीक है। समथिंग ऑन सोशल मीडिया, सम सोशल मीडिया की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आपके अच्छे ग्रेड्स भी आ सकते हैं अगर आपने स्टडी की है, जॉब आपने, ठीक है, आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, आप वहाँ पे सिलेक्टेड हो सकते हैं। आप ऐसे कुछ लोग, ये आपकी अच्छा रिजल्ट आ सकता है एग्जाम्स में, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। वी हैव अ सक्सेस, टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड इजिली, हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स वॉल इनटू योर लाइफ। तो हो सकता है कोई आपको एक्स्ट्रा सक्सेस मिल सकती है, या आप को सरप्राइज़ मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर सक्सेस भी मिलने वाली है, मुझे लगता है आप सक्सेसफुल होंगे। टेंशन मत लें, आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, ये जो चीज़ भी है, बट यू विल बी सक्सेसफुल, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।